हम फिर से डॉक्टर राहुल बैठे हैं, डॉक्टर और बर्ड स्पेशलिस्ट। और डॉक्टर राहुल, बर्ड्स के सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों से हमें बर्ड्स के बारे में क्वेरीज आ रही थी कि सर भी ठंड का काफी सीजन है, हमारे जो बर्ड होते हैं इमीडिएटली एक या दो दिन में बीमार पड़ के ऑफ हो जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सेटबैक पड़ता है। हम इतने दिन से हम बर्ड्स को पालते हैं, एक साल दो साल, कुछ कुछ के बर्ड्स नियर 15 ईयर्स के भी है, तो जस्ट ठंडी के समय लगने के बाद इमीडिएटली ऑफ हो जाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कि हम बर्ड को डॉक्टर के पास ले जाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको घर के घर में ऐसा नुस्खा और ऐसे कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको बर्ड जहाँ से विंटर सीजन में या फिर ठंडकाली सीजन में बर्ड इमीडिएटली ऑफ होने से बचेंगे। तो फ्रेंड्स, बर्ड में मसल पास तो फ्रेंड्स, जनरली देखिए ठंड की जब भी सीजन आती है तो इसमें बर्ड काफी स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो बर्ड को ठंडी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री होता है, बर्ड को अगर मेंटेन होता है तो बर्ड इसमें जो हेल्दी रहता है। और जनरली हम बर्ड्स को केज में रखते हैं, बहुत बार हम रात भर बाहर भी रख देते हैं बर्ड्स को, ऐसे कंटिन्यू बर्ड्स में रातें जब बीत जाती है तो बर्ड ऑटोमेटिकली वो शॉक में चले जाता है, वो खाना खाना बंद कर देता है और उसे सर्दी लग जाती है। तो इसमें बर्ड को सिम्टम कौन से होते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों ने वीडियोज भी भेजे व्हाट्सएप पे, इसमें हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, बर्ड्स को जो भी उसके चोच होते हैं, चोच खोल के उसकी लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, यानी सांस लेने में उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत बार बर्ड जो होते हैं इस तरह, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से फूल के बैठ जाता है और खाना खाना वो बिल्कुल बंद कर देता है, सांस लेने में उसे काफी तकलीफ होती है। कभी कभी बर्ड्स एक कॉर्नर में जाके बैठे रहते हैं, ठीक है, कभी कभी मुंडी पीछे घुमा के इस तरह से सुकड़ के भी बैठ जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि बर्ड की जो इश्यू है बहुत सीरियस है, इसे इमीडिएट अटेंशन है बहुत जरूरी। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे घर के घर में घर नुस्खा लेकर आप इमीडिएटली बर्ड को किस तरह डिलीट कर देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको अदरक का 1 इंच का आपको यहाँ पर टुकड़ा लेना है, उससे अच्छी तरह से कूट लीजिए, उसमें 2 ml पानी डालिए। उसके बाद तुलसी के 10 पत्ते लीजिए, उसे भी अच्छी तरह से मिक्सर में निकाल लीजिए। उसके बाद 5 काली मिर्च के छोटे दाने आपको उसमें लेने हैं, उसमें आपको 2 लौंग लेनी है और आपको यहाँ पर 2 इलायची लेनी है। तो ये जो घोल है अच्छे से मिक्स करा दीजिए, ये आपको 2 चम्मच इसमें बनाना है और इसमें 1 टेबल स्पून आपको हनी मिलाना है। तो ये जो घोल होता है ये इतना ही बनाना है। बर्ड्स की मात्रा जो होती है काफी कम होती है, बर्ड्स को बहुत ज्यादा घोल देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें आपको टोटल पानी में उबाल के सब चीजें करवा के देने के लिए कहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आपको जो भी है फ्रेश फ्रेश सभी चीजें लेके अगर आप बर्ड्स को देते हो तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमें जो घोल आपने बनाया है इसमें से आपको नियर अबाउट छोटे बर्ड होते हैं तो उसमें 3-4 डाल दीजिए, और बड़े अगर बर्ड्स है तो इसमें आपको 5 ड्रॉप करना है, इसमें दिन में आपको 3 बार करना है। तो ये जो कंडीशन है इसमें आपको मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम ये सब चीजें करवानी है। आपको 2 दिन ही मॉनिटर करनी है, 2 दिन मॉनिटर करने के बाद भी अगर आपके बर्ड की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, इसका मतलब आपके बर्ड को बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन लगा है, और उसको नियरेस्ट आपके वेट के डॉक्टर जो होते हैं उसको दिखाइए, बर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्पेशली जो होते हैं उनको दिखाने की कोशिश कीजिए, और आपके बर्ड को क्या हुआ है और वहां से आप डॉक्टर से सटीक तरह से उसका क्या इश्यू है देखिए, आपको वहां पर उसका मेडिसिन बता देंगे। सो फ्रेंड, अगर आपके नियर बाय कोई वेटिंग डॉक्टर नहीं है जो स्पेशलिस्ट है बर्ड में, तो आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप यहाँ पर व्हाट्सअप कीजिए, हमें वीडियो भेजिए, तो यहाँ पर हम आपका टेलीफोन कंसल्टेशन कॉल बुक करेंगे। कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद आपको इस तरह से QR कोड आ जाए, तो वहां पर आपको हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस होती है वो वहां पर आपको पेड कराने, उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके आपके बर्ड की क्या इश्यू है क्या प्रॉब्लम है उसमें हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाती है, और आपको हम सटीक इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन करवा देंगे। ये यूज करने के बाद आपके जो भी पैर की रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है बर्ड्स की तो हमें यहाँ पर आप कमेंट कीजिए, हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप किस टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो हमें यहाँ पर बिल्कुल कमेंट कीजिए, तो हम आपको टॉपिक पे वीडियो लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।